नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे तोरी की सब्जी। ये तोरी मैंने ली हैं, 1 किलो तोरी हैं, और मैंने इनको ऊपर से छीला नहीं, ऐसे ही इनको काट लिया बिना छीले। देखिए, बिना छीले मैंने इनको काट रखा और अच्छे से धो लिया है, साफ कर लिया है। ये 2 टमाटर काटे हैं मैंने, और इसके मसाले के लिए 3 प्याज और 8-10 हरी मिर्च और लहसुन की कलियाँ, ये मैंने सब काट लिया है। इधर मैं कढ़ाई में तेल डाल के डाल रही हूँ, थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ इसमें, ये मैंने थोड़ा तेल डाल दिया है। थोड़ा सा तेल डाल दिया है मैंने। अब इसमें मैं डालने जा रही हूँ कढ़ाई में, क्या चक्कर है, तेल डालने जा रही हूँ। अब मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा जीरा, देखिए दोस्तों जीरा हमारा चटक रहा है। जैसे ही जीरा चटकने लग जाता है, हम अपना ये प्याज और ये जो हमने काटा था फ्राई कर रहे हैं, तो इसको हल्का ब्राउन होने तक हमें फ्राई करना है। हल्का ब्राउन होने तक प्याज को गैस तेज रखेंगे। मैं इसमें तेल डाल देती हूँ, प्याज जल्दी फ्राई हो जाते हैं। थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, इससे ये प्याज जल्दी फ्राई हो जाते हैं। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डालना, मैंने अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है। अब ये नमक डालने से ये होगा, ये जल्दी फ्राई हो जाएगा। ऐसे आप चलाते रहना ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए। देखिए प्याज हमारा फ्राई हो रहा है, प्याज फ्राई होना शुरू हो गया है। इसको हम चलाते रहेंगे ताकि सारा प्याज हमारा फ्राई अच्छे से हो जाए। मेरे से फ्राई हो रही है ना, उसका धसका सा हो रहा है, उससे खांसी उठ रही है। देखिए अच्छे से फ्राई करना, क्योंकि मुझे मसाले अरे और ये फ्राई अच्छे से होते हैं ना, तो सब्जी में स्वाद अच्छा आता है, स्वाद अच्छा आता है। ये फ्राई हुई रहा है, ये हमारा प्याज फ्राई हो रहा है, हो गया, थोड़ा सा बाकी रह रहा है, बस होने वाला है। अब इसमें हम डालते हैं अपने कटे हुए टमाटर। और इसमें डालते हैं अपने मसाले, पहले तो हम भी डाल रहे हैं। जीरा, धनिया पाउडर 1 चम्मच,
थोड़ी सी लाल मिर्च आधा चम्मच के करिए, अपने स्वाद अनुसार आप डाल सकते हैं। और अमचूर पाउडर एक चम्मच। अब इन सबको हम मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। हम मसाले को अच्छे से पकने देते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ ताकि ये मसाले हमारे गले लगे और ये अच्छे से पक जाए हमारा। अच्छे से पक जाए, अब इसको पकने देते हैं। मसाला हमारा अच्छे से पक जाए। देखिए मसाला हमारा भुन गया अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से भुन गया है। अब इसमें डाल लेंगे अपनी तोरी। इसमें तोरी डालते हैं। और इसमें मिक्स करते हैं अच्छे से। ऐसे इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ऐसे ऐसे अच्छे से मिक्स कर लेना ताकि सभी तोरी में हमारा मसाला अच्छे से मिल जाए। अब इसे 5 मिनट के लिए हम ऐसे ही ढक देते हैं। पहले 5 मिनट के लिए ढक रहे हैं, अभी 5 मिनट के बाद देखते हैं। ठीक, देखिए दोस्तों 5 मिनट हो चुकी हैं। हम देखते हैं अपने इस तोरी को कैसे हुई है। अब इसमें देखिए एक बारी हम चम्मच चला देते हैं और इसमें हम बिल्कुल डेढ़ चम्मच के करीब थोड़ा सा पानी ऐड कर रहे हैं। थोड़ा सा कति डेढ़ चम्मच देखिए, और पानी ऐड करके इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देंगे ऐसे ऐसे करके। और फिर हम इसे पकने तक इसको पकाते हैं, मतलब 15 मिनट के लिए पकाते हैं। 15 मिनट में ये हमारी तैयार हो जाएगी दोस्तों। 15 मिनट हो गई है, सब्जी हमारी तैयार हो गई है तोरी की। अब गैस करते हैं बंद। देखिए गल देखिए ऐसे पता लग जाएगा, आप ऐसे काट के देख लेना, ये हमारी सब्जी बन चुकी है। ठीक है, अब हम गैस से उतारते हैं। देखिए हमारी तोरी की सब्जी देखिए एकदम कितनी अच्छी बनी है, कितनी अच्छी बनी है। देखिए देखिए तोरी की सब्जी एकदम बहुत बढ़िया बनी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ताकि नई वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू।